हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल छोले, पंजाबी छोले। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब। हमने छोलों को रात को भिगोकर रख दिया था। हमारे छोले भीग गए हैं और हमने पानी में से बाहर निकाल लिए हैं। हमने एक कुकर ले लिया है, उसमें हमने आधा लीटर के करीब इसमें पानी ऐड कर लिया है और इसमें हमने जो छोले धोए थे उन्हें डाल देंगे। हमने छोले इसमें डाल दिए हैं। आधा छोटा चम्मच के करीब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें इनो पाउडर या सोडा भी डाल सकते हैं। अब हमने एक सूती कपड़े के ऊपर कुछ मसाले रख लिए हैं, बड़ी इलायची, लौंग, जावित्री और दालचीनी और एक छोटा चम्मच चाय पत्ती। आप चाहें तो एक टी बैग भी आता है, वो उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन हमने एक सूती कपड़े के अंदर रखा है। अब इसकी हम एक पोटली बना लेते हैं इस तरह से। अब इस पोटली को हम कुकर के अंदर छोड़ देते हैं। इससे क्या है, छोलों का कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है। आप इसमें इनो पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन कई बार इनो पाउडर डालने से क्या है, छोले अच्छे से घुल जाते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं और इसमें 7-8 सीटी आने तक इनको पकाते हैं। और हमारे कुकर में सीटी लग गई हैं। अब हमने जो इसमें पोटली डाली थी, अब उसे हम निकाल लेते हैं। देखिए, हमारे छोलों का कलर भी है ना, अलग हो गया है। अब हमने कढ़ाई ले लिया और इसमें एक बड़ा चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक चम्मच के करीब जीरा डालेंगे, एक बड़ी इलायची और तेज पत्ता। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, इनसे सब्जी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं। प्याज हमारी भून गई है। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इन्हें भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इन सभी को हम 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम में पका लेते हैं। अब इसके अंदर छोटे छोटे जो टमाटर चॉप किए थे वो ऐड करेंगे। अब इन्हें हम अच्छे से पका लेते हैं। अब इससे हमें हम 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, 1 चम्मच करीब लाल पाउडर, मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे। नमक हम कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने छोलों में भी नमक ऐड किया था, इससे नमक ज़्यादा ना हो जाए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इन सभी को हम अच्छे से पका लेंगे। अब इन्हें हम 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं मसाले को। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम फिर से चला लेते हैं। टमाटर वगैरह सभी हमारे अच्छे से पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं सभी। अब हमने जो छोले बॉईल करके रेडी कर रखे थे, अब उन्हें हम धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं मसाले के अंदर। हमारे सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं सूखे छोले। पानी हमेशा छोलों में बॉईल करके ही डालना चाहिए। हमने पानी बॉईल कर लिया था गैस के ऊपर। हमने पानी पहले से ही बॉईल करके रखा था। अब इसमें हम इसमें ऐड कर देते हैं। छोलों में हमेशा पानी बॉईल करके ही डालना चाहिए, जिससे टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है, छोले अच्छे से पकते हैं। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप अपनी जितना चाहे उतना पानी डाल सकते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अब इसमें 1 चम्मच के करीब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, जिसके इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1 चम्मच के करीब इसमें छोले मसाला ऐड करेंगे। ये छोले मसाला मैंने घर पर ही बनाया है, इसकी वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमारे छोले बनकर कितने
अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें हम एक चीज़ और करनी है, अब इसमें हमें तड़का और लगाना है, जिससे ये क्या है ढाबा स्टाइल छोले बन के रेडी हो जाएंगे हमारे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं, जब तक हम तड़का रेडी करते हैं। अब हमने फ्राई पैन के अंदर 1 चमचे के करीब हमने क्या ले लिया है, इसमें घी ले लिया है। अब इसे हम गरम कर लेते हैं। हमारा घी अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच के करीब हींग डालेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने रखा था बचा के, वो डालेंगे इसमें। और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च से क्या है, छोलों के अंदर इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और कड़ल के लिए हम इसमें, इसे ठंडा करने के बाद इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, जिससे बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल में एकदम परफेक्ट अच्छा कलर फ्लेवर आएगा। ये देखिए हमारे सभी अच्छे से पक गए हैं। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। हमारे छोले भी अच्छे से परफेक्ट हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गए हैं हमारे छोले। अब हमने जो तड़का बनाया था अब उसमें हम ये 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च को हमेशा ठंडा करके ही डालना चाहिए, नहीं तो लाल मिर्च का कलर चेंज होता है, काला काला सा हो जाता है। इसे हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तड़के को हमने इसमें अच्छे से डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स हमारे कितने अच्छे छोले लग रहे हैं। देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हरी मिर्च से क्या है, छोलों के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हमारे छोले बनकर रेडी हो गए हैं। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ या फिर आप भटूरे भी बना सकते हैं। छोले भटूरे का तो कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है। हमारे ढाबा स्टाइल पंजाबी छोले बनकर रेडी हो गए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।